हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं भैया जिनका भी 29th ऑफ जून को पेपर है उनके लिए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे से 29 को कभी भी हो, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, अब जाते ही आपको एग्जाम में हो सकता है कि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाए। रीजनिंग से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन जो है वो तो कन्फर्म ही मिलने वाला है, और ट्रुथ टेबल बना करके वो बहुत ही जल्दी से एक मिनट से भी कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बोला गया कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको बताओ कि किसके इक्विवेलेंट है, तो आपको क्या करना है, सिंपल से इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है। तो एक एलिमेंट हमने लिया पी, फिर उसके बाद में लिया क्यू, और फिर इसके बाद में इनके हमने क्या निकाले, इनके नॉट निकाले, मतलब पी नॉट की वैल्यू क्या होगी, क्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, फिर ये वाला ऑपरेशन करा हमने, इसको इस पर इंप्लीमेंट करा, देन फिर इसके बाद में हमने इसका नॉट लिया, तो ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना होगा जो हमारे ऑप्शंस होंगे, क्या करना है, अभी जो ऑप्शंस हैं उनके बेसिस के ऊपर निकालना है कि यार कौन से वाले ऑप्शन में ये फिट बैठ रहा है। जो भी ऑप्शन में फिट बैठेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल आता है, बहुत ही अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। रीजनिंग का एक क्वेश्चन होना चाहिए, मैथमेटिकल रीजनिंग का। देन फिर इसके बाद में जो हमारे पास में नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि अगर दो वेक्टर हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक अल्फा वेक्टर दिया हुआ है और यहाँ पर एक बीटा वेक्टर दिया हुआ है, और इनमें कुछ वेक्टर हैं कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर को मिला करके कोई एक नया वेक्टर बन रहा है बीटा, और ये जो नए वाला वेक्टर है ये क्या है, कोलिनियर। अगर कोलिनियर होते हैं, देखो एग्जाम में तीन तरीके के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि भैया कोलिनियर अगर हो गए, ठीक है, कोलिनियर के बाद में जो दूसरा पूछा जाता है कि कोप्लेनर हो गए, कोप्लेनर के बाद में पूछा जाता है कि वो परपेंडिकुलर हो गए। तो ये तीन तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो अभी हम इसमें बात करेंगे कि अगर वो मतलब कि कोलिनियर होते हैं तो क्या करना होता है। अगर कोलिनियर होते हैं, बेसिकली सिंपल से दो वेक्टर हैं, तो आपको क्या करना है कि उसके ए वाले जो वेक्टर हैं, मतलब कि यहां पर हो सकता है कि आई कैप होगा या फिर जे कैप हो सकता है, जो भी हो, उसके आपको कोफिशियंट्स निकालना और दोनों के कोफिशियंट को इक्वेट करना है, और फिर उसके बाद आपको सॉल्व कर देना है। और अभी यहां पर लैम्डा की वैल्यू गायब है, तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों को इसका आंसर कमेंट्स में बताना है, जल्दी से इसको सॉल्व करो, जल्दी से अपना इसका आंसर जरूर से बताना। देन फिर इसके अंदर अगर कहा जाए कि कोई भी तीन वेक्टर जो हैं वो कोप्लेनर हैं, तो मतलब उनका जो मतलब डिटरमिनेंट होता है वो हमेशा जीरो होता है। याद रखना कि मैंने कोप्लेनर वाली कंडीशन बता दी है, आपको सिंपल सा उन तीनों का डिटरमिनेंट लेना है और उसे जीरो कर देना है। देन फिर इसके अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, एक लाइन का और एक प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। अब देखो इसमें तीन तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। देखो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बताऊं तो वो बनता है कि लाइन और प्लेन की बात करी जाए, मतलब एल और टी, एल टू टी लिख देता हूं मैं, ठीक है, एल टू पी, ठीक है, और एक बात कर ली जाए भैया प्लेन प्लेन की बात कर ले, लाइन लाइन की बात कर ले। तो इन तीनों केसेस के अंदर आपको करना क्या होता है, जनरली इस केस के अंदर क्या करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो आपको सिंपल सा सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो लाइन है गिवन, इस लाइन का आपको क्या निकालना है, जनरल पॉइंट निकालना है। इस लाइन का क्या कैलकुलेट करेंगे, जनरल पॉइंट। तो अब जनरल पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जनरल पॉइंट निकालने के लिए सिंपल सा है कि इस लाइन को लैम्डा के बराबर इक्वेट करना है, एक्स की और वाई की और जेड की वैल्यू निकाल लेनी है, जो कि यहां पर ऐसे रिटर्न है। देन फिर इसके बाद में आपको क्या करना है कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा, हमने जो अभी भी एज्यूम करा है कि हम बोल देते हैं कि यार वही पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि वो इस पर तो लाई ही करेगा क्योंकि इसका जनरल पॉइंट है, और बोल देते हैं कि वो पॉइंट इसमें लाई कर रहा है। तो जब हम इसमें उसको डाल करके सेटिस्फाई करवाएंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जनरल पॉइंट के अंदर हम इसको जब सेटिस्फाई करवाएंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन से आ जाएगी हमारे पास में लैम्डा की वैल्यू। अब जब लैम्डा की वैल्यू आ गई तो वो सिंपल सा हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। देखो यहाँ से निकालेंगे लैम्डा, लैम्डा कुछ भी हो सकता है, उसको निकालने के बाद में इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। देन फिर इसके बाद यहां पर एक याद रखने वाली बात यह है कि हमने जो जनरल पॉइंट है उसी को ही मानना है कि यार ये क्या है, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और याद रखिएगा, अगर लाइन का हो और प्लेन का हो तो आपको क्या करना है कि जो जनरल पॉइंट लेना है वो लाइन का लेना और प्लेन के अंदर डाल के उसे सॉल्व कर लीजिएगा। वैसा भी कर सकते हो, प्लेन का लेकर के लाइन में कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। देन फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, जो कि हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस बार भी आपको जाती एग्जाम में मिलेगा कि एक कोई नंबर है जिसको कि डिवीजन करेंगे तो रिमाइंडर में क्या बचेगा, क्या होगा उसका रिमाइंडर। तो देखो क्या होता है, अब इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें 5 का बोला गया, तो आपको 5 के फैक्टर के आसपास निकालना है। अब 3 की बात है,
तो अब 3 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 9, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 1, ठीक है, और उसी को ही हमने काम में लेकर के इसे सॉल्व करा। 3 था यहाँ पर, 3 को एज ए मतलब कि 2022, और फिर इसके बाद में 9 करा तो ये हो गया हाफ, और फिर इसको 10 माइनस 1 लिखा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे बाइनोमियल से तो ये कुछ आएगा, और इसके आगे जो है 10 आता रहेगा, और 10 क्या है भैया 5 से डिविजिबल है, तो मतलब ये ओवरऑल नंबर डिविजिबल है, लेकिन लास्ट में बच रहा है यहाँ पर -1, तो भैया क्या -1 रिमाइंडर हो जाएगा, मतलब नहीं, रिमाइंडर -1 नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि याद रखो जो -1 है वो है नेगेटिव, और जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा, रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब इसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए जिस भी नंबर से कर रही हो उसके अंदर इसे ऐड कर दो, जैसे कि 5 माइनस 1 करा तो यहाँ पर 4 आ गया, तो 4 होगा इसका रिमाइंडर। इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। फिर अगले वाला क्वेश्चन आता है, बहुत ही एक तगड़ी वेराइटी का क्वेश्चन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, वो ये है कि एक अल्फा और बीटा आपको रूट दिए जाएंगे, कोई भी एक इक्वेशन दी जाएगी, और उसके बाद में एक रिलेशन दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 15, और आपसे बोला गया कि आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। तो देखो ये क्वेश्चन करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला आता है तो। अब जैसे कि देखो यहां पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, तो अगर आपको फॉर्मूला ये वाला याद है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे नहीं कर सकते। तो इस फॉर्मूला को याद रखो कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस ऑफ अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अभी इसी तरीके से एप्लीकेबल होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये आप समझ रहे हो कि जब आप इसे खोलेंगे तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर और प्लस ऑफ 2 अल्फा बीटा। तो अब यहाँ पर अल्फा बीटा से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको ऐसे लिख के सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हम अल्फा प्लस ऑफ बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और उसे यहाँ पर सीधा सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है भैया डिफरेंशियल इक्वेशन से। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है डीई में जो है एग्जामिनर क्या करेगा, बोलेगा कि यार बच्चे बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हो रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा ट्विस्ट देता है। वो ट्विस्ट में क्या करेगा, इस ट्विस्ट के अंदर एग्जामिनर क्या करता है कि जो एक्स होता है उसको वाई कर देता है। मतलब एक तरीके से जो हमने इक्वेशन पढ़ी हुई थी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर वाली, वो हमने पढ़ी थी एक्स के रेस्पेक्ट में, लेकिन वो क्या करेगा, वो पूछेगा आपसे वाई के रेस्पेक्ट में। तो मतलब समझ में नहीं आता करना क्या, बहुत ही सिंपल होता है, जैसा आप एक्स में करते हो बस वैसा ही वाई में करते जाओ। जैसे कि ये इक्वेशन है, तो अब ये इस तरीके से इक्वेशन रहने वाली है, ठीक है, ये इक्वेशन हमने लिख लिया। अब उसके बाद में इसको कंपेयर करो कि जो हमारी जनरल इक्वेशन थी dy / dx = px * y * qx, ठीक है। तो हम जिस तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे कि यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x * यहां पर क्या होता था d ऑफ x, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर p ऑफ y और यहां पर हो जाएगा d ऑफ y, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं भैया dy के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये बात होती है इसमें। देन फिर इसको हमने यहां पर एक छोटे छोटे फॉर्मूलाज है जो कि आपको याद रखने चाहिए, बिल्कुल भी मिस मत करना इन फॉर्मूला को। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो आता है सेंट्रोइड का। सेंट्रोइड अगर आपको निकालना है किसी भी ट्रायंगल का, तो आपको सिंपल सी 3 वर्टेक्स है उनको ऐड करके उनको डिवाइड बाय 3 कर देना है। इसी तरीके से वाई वर्टेक्स को तीनों को ऐड करने के बाद में आपको 3 से डिवाइड कर देना है, तो सेंट्रोइड आपके सामने होगा। फिर इसके बाद आता है यहाँ पर अगर हमें एंगल निकालना हो दो लाइन के बीच का, तो वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 और डिवाइडेड बाय में 1 + m1 - m2। और फिर इसके बाद में अगर बात करें एक हमें रिफ्लेक्शन लेना है, कोई भी एक पॉइंट P है उसका एक लाइन के अबाउट, तो वो क्या कैसे करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है कि x - x1 / y - y1 / b = -2a (ax1 + b y1 + c) / a² + b², ये होता है रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। देन फिर इसके बाद आता है यहाँ पर सर्कल्स। अब देखो यार ये सर्कल वाला है, इसके अंदर यहाँ पर क्या है कि x² + y² + 2gx + 2fy, ये तो होती है हमारी सर्कल की इक्वेशन। अब इससे रिलेटेड आपको क्या याद रखना है, याद रखना है कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, वो होती है y = mx + -a (√1 + m²। इसी तरीके से अगर बात करें लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की, तो जो होती है यहाँ पर 2LR / में आ जाएगा √L² + R² देन फिर इसके बाद में अगर बात करें यहाँ पर डायरेक्टर सेल का, देन फिर इसके बाद में बात करें तो डायरेक्टर सर्कल की, तो जो डायरेक्टर सर्कल है वो होता है यहाँ पर x² + y² = 2a² जब सर्कल हो x² + y² = a², ठीक है।
फिर इसके बाद में अगर बात करते हैं पैराबोला की, तो जो पैराबोला होता है वो होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब इससे रिलेटेड जो है इसकी इक्वेशन याद रख लेना। देखो यार, इसकी इक्वेशन जो है टेंजेंट के लिए वो याद रखना। अब वो ये है कि वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ऑफ यहाँ पर ए बाय एम होगा, यहाँ पर प्लस माइनस कर लीजिएगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए बाय एम। देन फिर इसके बाद में अगर बात करें नॉर्मल की, तो जो नॉर्मल होता है वो होता है वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई वन अपॉन में 2a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जो कि एक्स वन और एक्स टू पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। फिर इसका जो होता है इलिप्स, अब देखो इलिप्स जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो जब ये इलिप्स की इक्वेशन होती है तो इसके लिए हमें सेंट्रिसिटी निकालनी होती है। याद रखना कि जो पैराबोला होता है, पैराबोला के लिए जो e की वैल्यू होती है वो होती है 1, लेकिन यहाँ पर इस केस के अंदर अलग होता है, सेंट्रिसिटी की वैल्यू हमें निकालनी होती है, जो कि क्या होती है, e की वैल्यू होती है लेस देन 1, ठीक है। उसके अंदर e की वैल्यू 1 होती है और इसके अंदर वैल्यू लेस देन 1 होती है। तो वो क्या होता है, वो होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। अगर आपको इक्वेशन गिवन नहीं है तो आपको इस इक्वेशन को ऐसे कन्वर्ट करना होगा, ये इसकी जर्नल फॉर्म है, और फिर उसके बाद में ए बी की वैल्यू निकाल करके आप इसेंट्रिसिटी निकालेंगे। इसेंट्रिसिटी निकालने के बाद में आप निकालोगे डायरेक्ट्रिक्स, जो कि होता है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ ए बाई ई। अगर ए की वैल्यू ही निकालने में गलती हो जाती है तो फिर कोई भी सही नहीं होगा। फिर इसके बाद में लेटेस्ट रेक्टम की अगर बात करें तो वो होता है 2b स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू 2a इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। देखो ये होता है l की वैल्यू। अब आपको दोनों फॉर्मूलाज एक जैसे हैं, मतलब ये यहाँ पर इक्वल टू का साइन आएगा, यहाँ पर 2b स्क्वायर अपॉन a, और फिर इसके अंदर हमने इसको लगाया तो हमें ये मिला कि a इंटू 1 माइनस ऑफ ए स्क्वायर। फिर इसके बाद में अगर बात करें टेंजेंट की, इसके ऊपर टेंजेंट कैसे ड्रॉ होती है, तो वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। इसी तरीके से अगर बात करें इसके नॉर्मल की, तो जो इसका नॉर्मल होता है वो होता है ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन एक्स वन माइनस ऑफ बी स्क्वायर वाई इंटू वाई वन, और फिर इसके बाद में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरीके से दूसरे वाली इक्वेशन है। अब आता है भैया हाइपरबोला। अब देखो हाइपरबोला ने क्या बोला, हाइपरबोला ने ये बोला कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो मैं हो जाऊंगा हाइपरबोला। अगर प्लस होता तो मैं हो जाता हूँ इलिप्स, और अगर माइनस हो गया तो मैं हो जाऊंगा हाइपरबोला। हाइपरबोला ने ये बोला कि अगर मेरी डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर प्लस माइनस ए बाय ई करना होगा। फिर इसके बाद में लेटेस्ट रेक्टम का दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है, एलिप्स के लिए और हाइपरबोला के लिए। फिर इसके बाद में चेंज जो होता है वो होता है यहाँ पर वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ऑफ ए स्क्वायर एम माइनस ऑफ बी स्क्वायर। इसी तरीके से नॉर्मल की इक्वेशन है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ में इस वीडियो को शेयर हो जानी चाहिए। और ये जो काम है ये सब्सक्राइब वाला कब करोगे, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, और जल्दी से इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं आप लोग उस नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर जी मेंस।